ओके तो प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग न्यू पैटर्न कर रहे हैं। ये पैटर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी से। ओके तो चलिए सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं। इसमें आपको क्या देगा, कोई आर्टिकल होंगे यानी कोई वस्तु, उस आर्टिकल का मान लीजिए पहले सीपी दिया होगा और आर्टिकल की कुछ क्वांटिटी दी होगी। जैसे मान लीजिए एक ही आर्टिकल होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये पे बनेगा। ओके आपको समझना क्या है, वो आर्टिकल एक ही होना चाहिए तभी आपका आंसर आएगा। अगर दो आर्टिकल दे दिया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो पहली चीज आपको याद रखना है कि एक ही आर्टिकल हो, अर्थात जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल, जैसे मान लीजिए बुक्स उठाया, तो बुक्स ही दोनों में बुक्स ही दिया हो, या दोनों में मान लीजिए संतरे का दिया है कॉस्ट प्राइस, तो एक देगा कॉस्ट प्राइस और आपको इक्वल करेगा सेलिंग प्राइस, या तो सेलिंग प्राइस होगा तो किसके करेगा, कॉस्ट प्राइस के। जैसे इस क्वेश्चन में देखें जो 36 किताबों का कॉस्ट प्राइस है वो 30 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ओके तो क्वेश्चन यही है, ऑरेंज है, आपको कुछ भी ले लेगा, बनाना कोई भी आर्टिकल्स ना, बुक्स हो गया आपका, मान लीजिए जैसे कोई बाइक, एनीथिंग एल्स, कोई भी आर्टिकल होगा, बट आपको एक ही आर्टिकल होना चाहिए। ओके यानी आइडेंटिकल होना चाहिए एक ही, तो सबसे बड़ा इसकी यही है। तो देखिए यहाँ जैसे आपको बुक्स ही दिया है तो दोनों में बुक्स दिया होगा तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो आपको इसी पे दोनों पे करेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो इसको समझने के लिए आपको वीजी वे में जैसे हम लोग पहले करते आए हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है आपको बस उसी को समझना है। देखिए 36 कॉस्ट प्राइस है इसलिए आप सीपी लिख दीजिए। ओके बराबर 30 किताबों के विक्रय मूल, तो 30 बुक्स का एसपी, ये दोनों बराबर है, बस यही आपसे इसी से आंसर आएगा। अगर इतना आपने लिख लिया तो आपका आंसर आ गया। ओके तो आपको मैंने शुरू से ही बताते आ रहा हूं कि क्या निकालिए, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीपी यहाँ आ जाएगा तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ आ जाएगा, तो जो डेटा है उसे एक साइड कर दीजिए और एसपी सीपी का हमेशा क्या निकालिए, रेशियो। ओके ऐसे भी याद रखिए कि जो एसपी के यहाँ पे जो इसका मल्टीपल होगा वो हमेशा इसके नीचे आएगा सीपी वाले के गुणनफल के। ओके तो देखिए यहां से क्या होगा, अगर इसको समझे हम लोग तो एसपी अपॉन सीपी। ओके मैंने सीपी को इसके रेशियो में लाया, बराबर होगा ये तो रहा आएगा ये, तो 36 अपॉन कितना हो जाएगा 30। ओके आई होप आप लोग सभी को इस समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे कर रहे हो। हमेशा एसपी के जो गुणज होगा वो नीचे आएगा, तो 30 ये नीचे आएगा क्योंकि एसपी हम लोग ऊपर रख रहे हैं। ओके तो उसका गुणज नीचे आ जाएगा। अगर इतना आपने कर लिया इसका अर्थ है आपका आंसर आ गया। अब इससे आगे कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए तो क्या होगा, 6 × 36, 6 × 5 = 30। ओके तो ये कितना हो गया, देखिए 6/5। इसको सॉल्व अगर न करिए आप ऐसे करिए कि कितना होगा, एक अधिक है तो कितने का लाभ होगा, 1/5 का, इसका अर्थ है 20% का क्या होगा, लाभ। ओके तो आपका इजी वे में आंसर आ गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो आपको यूनिक ये है कि ये मेथड समझना था, बाकी तो आप इजी वे में कर ही सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को। तो आई होप आपको इजी वे में बिल्कुल समझ में आ गया हो कि ये कैसे मैंने इसे सॉल्व किया। ओके अब हम लोग इसी पे सेकंड करते हैं, इसका मैं सबसे ज्यादा करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपको सिर्फ एक यूनिक ये मेथड ही फॉलो करना है, बाकी और कुछ नहीं। ओके चलिए अब हम लोग आर्टिकल और उनकी संख्या बदलते हैं। ओके जैसे मान लीजिए किताबों की जगह कुछ और कर लेते हैं, मान लीजिए सीधे 15 वस्तुएं ही कर देते हैं, आर्टिकल कोई वस्तु नहीं लिया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ओके 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ओके तो फिर से आप क्या लिखेंगे, जो कि 15 सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य दिया है, बराबर कितना दिया है, 10 एसपी। ओके तो अब जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या होगा, 15/10। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 15/10,
ये 5 से होगा तो 3 2, इसको आपको पता कितना होता है 1.5, इसका अर्थ है 50% क्या होगा प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो पता है ना कि ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए प्रॉफिट के लिए, इसलिए मैं निकाल पा रहा हूँ। ये रेशियो तो आप पता ही है कि 1 से ज्यादा है इसलिए 50% प्रॉफिट। ओके, तो इजी वे में ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिये नेक्स्ट में आपको सिर्फ डेटा चेंज करते जा रहा हूं। देखिए अगर इसमें मैं बोल दूं कि 9 सेवों का लागत मूल्य या 9 सेवों का क्रय मूल्य, ओके, इसे कर देते हैं हम लोग, मान लीजिए 9 है तो यहां 11, 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में अगर इसे बोलूं मैं तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 एप्पल, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ओके, तो एडमिन्स इसको अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, ये 9 सीपी है इक्वल टू 11 एसपी। ओके, तो एसपी हमेशा ऊपर रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट उससे ही समझा रहा हूं। तो क्या होगा, एसपी अपॉन सीपी, ये सीपी यहां गया तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, क्या होगा 9/11। ओके, तो अब अगर हम लोग देखें यहां पे तो हम लोगों का जो ये वाला है ये ऊपर वाला कम है, कितना कम है 2। ओके, तो 2/11 तो इसने का लॉस होगा, क्योंकि जब भी ऊपर वाला कम होता है तो क्या होती है हानि, जबकि नीचे वाले है ना अगर ये अधिक हुआ तो लाभ। 2/11 का मान आपको पता है, 1/11 का हम लोगों ने याद किया था। ओके, कितना होगा, 1/11 का याद किया था हम लोगों ने 9 से ही 1/11। ओके, या इसी को किया था कि 9.09, अगर इसको हम लोग पुट करें तो क्या होगा 2 का जस्ट रिवर्स। ओके, ये वाले 2 का, तो 18 से 2/11 या 18.8% की क्या होगी हानि। ओके, आपको 2 में से कोई भी ऑप्शन मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग दोनों को करेंगे। ओके, तो सिंपली आपका ये हो गया कि इतना क्या होगा उससे हानि होगी। तो अभी तो हम लोग सेम पैटर्न पर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन इसको कवर करते हैं। मान लीजिए आपका आ जाए ओके कि 16 किलो का लागत मूल्य, 16 किलो का लागत मूल्य ओके 14 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको फिर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंटेज जो होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली 16 CP इक्वल टू क्या होगा 14 SP। ओके, तो SP अपॉन CP का आप रेशियो निकालिए तो क्या होगा 16/14, ये मोर देन है तो कितना हो जाएगा 8/7, कितना अधिक है 1, तो 1/7 का क्या होगा प्रॉफिट। 1/7 का आपको वैल्यू पता है 14.28% प्रॉफिट। ओके, परसेंटेज में हम लोगों ने किया था इस तरह क्वेश्चन। अब थोड़ी सी मैं चेंजेस कर रहा हूं इसमें, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रैक्टिस आप जितने ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर 15 टेबल्स का क्रय मूल्य, 15 टेबल्स है ओके का क्रय मूल्य मान लीजिए कितना कर देते हैं हम लोग 20 कर देते हैं, 20 टेबल्स के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 टेबल्स ओके के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सेम 15 चूंकि क्रय मूल्य दिया है तो 15 CP इक्वल टू कितना होगा 20 SP। अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग है तो इजी वे में फिर कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा SP अपॉन CP का रेशियो, SP ये यहां गया और ये इसके अपॉन में आएगा तो क्या होगा 15/20। ओके, 5 से काटिए 5 और ये 4, तो कितना लॉस होगा आपको दिख रहा है, तो लॉस है कितने का 1 का, ऊपर वाला 1 कम है तो क्या होगा 1/4, 1/4 कितना होता है 25% की हानि। ओके, या इसको आप चाहे तो सॉल्व भी कर सकते थे, 75 आएगा तो 100 से कितना कम है 0.75 जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो कितना कम है, जैसे अगर 3/4 को आप करें मान लीजिए 100 कर देते हैं तो 300 क्या होगा 4,
चार सत्ते 28, दो चार पंचे 20, तो 75 हुआ। तो कितना 75% यानी कितना है 100 से कम, तो कितना है 25%, तो 25% का लॉस होगा। ओके, अगर ऊपर वाला याद नहीं है, हालांकि वो पूरा याद कर लीजिए क्योंकि परसेंटेज में हम लोगों ने इसी तरह से किया था। चलिए अब थोड़ी सा माइनर में चेंजेस कर रहा हूं। ऊपर की लाइन ही चेंज कर दे रहा हूं। ओके, ओके, 12 संतरों का विक्रय मूल्य के 15 संतरों के 15 ही कर दीजिए, ओके, लागत मूल्य के बराबर है। तो आपको ज्ञात करना है प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ओके, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस, फाइंड प्रॉफिट एंड और लॉस परसेंटेज। ओके, दो में से एक जो भी होगा आप डिसाइड करिए और फिर निकालिए। थोड़ी से इसमें मैंने क्या चेंजेस किया, पहले मैंने आपको एसपी दिया है, बाद में आपको कॉस्ट प्राइस दिया है। ओके, तो यही आपको अंडरस्टैंडिंग करना था कि आपका क्वेश्चन बोल रहा 12 SP, ओके, 12 संतरों का SP, हमने सेम लिखा, इक्वल टू कर दिया 15 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस। ओके, अब मैंने कहा था SP/CP निकालना, तो आप इसको यहां लाइए तो SP/CP हुआ, ये यहां चला जाएगा इसके अपॉन में, तो बराबर क्या होगा 15/12। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 5 एंड दिस इज 4, ओके, 3 से काटा आपने, तो ऊपर वाला अधिक है, इसका अर्थ क्या होगा प्रॉफिट होगा। ओके, ये वाली मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तुरंत देख के ही बताइए कि ऊपर वाला अधिक है तो प्रॉफिट होगा। कितने का होगा देखिए, 1 का, 4 से कितना अधिक है 1, तो कितने का होगा 1/4 का, 1/4 हम लोगों ने याद कर रखा है कि कितना होता है 25%, तो 25% का लाभ। ओके, तो आप जितने जल्दी इसको पकड़ेंगे क्वेश्चन को, वो उतने जल्दी आपको इजी वे में सॉल्व होगा और इजी आपको एग्जाम में भी क्या होगी हेल्प होगी। ओके, चलिए थोड़ी सी और चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ थोड़ी सा क्वेश्चन को, यहाँ लीजिए, मान लीजिए 25 कुर्सियां लिख लीजिए, इस बार चेयर ले लेते हैं, 25 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 20 कुर्सियों के क्रय मूल्य के या लागत मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ओके, तो इजी वे में आप क्या करेंगे, 25 SP इक्वल टू क्या करेंगे 20 CP, तो SP/CP क्या होगा, ये देखिए इसके यहाँ आया और ये यहाँ चले जाए, तो क्या होगा 20/25, इसे आप सॉल्व करिए 4/5, चूंकि ऊपर वाला कम है तो क्या होगा लॉस होगा, तो कितना होगा 1 का, तो 1/5 इसका आंसर होगा, तो कितना हो गया ये 20% की हानि। ओके, तो आपको सिर्फ यहाँ समझना है, मान लीजिए अगर नहीं कर रहे तो कैलकुलेशन में थोड़ी सा आप फंसेंगे, कैलकुलेशन करनी होगी, कैलकुलेशन से बचने के लिए मैंने परसेंटेज में याद करवाया था, आई होप परसेंटेज को आप लोग अच्छे से कर लिया होगा अभी तक। ओके, चलिए थोड़ी सा पैटर्न चेंज करते हैं हम लोग क्वेश्चन का और थोड़ी सा अलग करते हैं। ओके, देखिए मैं सभी बुकों के और जो भी क्वेश्चन है यानी एग्जामों में आए हुए हैं उस सभी बुकों और एग्जाम के क्वेश्चन है ये, तो आपको इसके अदर आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि आप किसी और बुक को लगाएं। ओके, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और, थोड़ी सा पैटर्न चेंज कर रहा मैं। यदि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ओके ओके, पैटर्न का एक प्रॉफिट एंड लॉस का एक न्यू पैटर्न करते हैं हम लोग। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके,
द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 5:4, व्हाट इज द गेन परसेंट और लॉस परसेंटेज। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए आपको ये क्या दिया है, सीपी एंड दिस इज एसपी। ओके, तो सीपी रेशियो एसपी दे रखा है, तो कितना है ये 5:4। आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए जो हम लोग पिछला प्रीवियस करते आए, क्या निकालिए एसपी अपॉन सीपी, तो क्या होगा एसपी 4 एंड सीपी 5। ओके, तो ये किससे इतना कम है, कम है यानी लॉस होगा, पहली चीज तो ये डिसाइड कर लीजिए। जब भी अंश क्या होगा, हर से कम यानी हानि कितने की होगी, इससे कितना कम है, एक घटा लीजिए आप, पांच में से चार गया तो एक, तो कितना 1/5 की हानि होगी। 1/5 को आप जानते हैं कितना लिखते हैं हम लोग, 20%, अगर आपसे नहीं आ रहा तो 1/5 × 100 तो ये हो जाएगा 20%। ओके, ये हमने ऊपर परसेंटेज में किया था इसलिए ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, तो आपको इसका आंसर क्या होगा 20% हानि। ओके, इसका अर्थ है पहला ऑप्शन सही है, 20% क्या होगा लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ इसी का डेटा मैं चेंज कर रहा हूं। ओके, अब मैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 कर रहा हूं। ओके, ध्यान रखिएगा 20:21 है। ओके, तो लाभ या हानि प्रश्न याद कीजिए, तो सेम अभी जैसे हमने किया था, सीपी रेशियो एसपी दे रखा है आपको, कितना दिया है 20:21, तो आप यहां से क्या निकालिए एसपी अपॉन सीपी, तो क्या होगा जस्ट इसी को 21 अपॉन 20। अब देखिए ऊपर वाला अंश क्या है, अधिक है, इसका अर्थ इसमें प्रॉफिट होगा, पहली चीज तो ये डिसाइड हो गई कि इसमें क्या होगा प्रॉफिट। अब कितने का होगा ये, इससे कितना अधिक है, एक, इसका अर्थ 1/20 का प्रॉफिट होगा। ओके, 1/20 को कितना लिखते हैं हम लोग, 5% का लाभ। तो आई होप इजी वे में, देखिए वन लाइन में आपका आंसर आ रहा है, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए प्लीज आप पूरे धैर्य पूर्वक अच्छे से इस क्वेश्चन को करिए। ओके, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पैटर्न करते हैं इस पे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सभी प्रकार के जितने भी इसके टाइप होते हैं सभी प्रकार के हम लोग इसमें कवर कर सकें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 पेंसिलों का लागत मूल, पेंसिलों का लागत मूल 30 रबरों के विक्रय मूल, 30 रबरों के विक्रय मूल के बराबर है। ओके, प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ओके, आपके मैं ऑप्शन दे देता हूं, ए ऑप्शन है 16.66% प्रॉफिट लाभ। ओके, बी सेम ऑप्शन 16.66% लॉस हानि, एंड सी ऑप्शन इज 20% प्रॉफिट, एंड डी कहां नहीं जा सकता। ओके, कैन नॉट सी इज ऑप्शन, कैन नॉट सी। ओके, मैं इंग्लिश में रीड कर देता हूं जो लोग इंग्लिश में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 इरेजर्स, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। ओके, और है फाइंड, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, अभी हम लोग कर रहे थे कि 15 संतरों का विक्रय मूल, ओके, या 12 संतरों का विक्रय मूल 15 संतरों के विक्रय मूल के बराबर है, प्रतिशत लाभ हानि हम लोग याद कर पा रहे थे। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि डायरेक्ट सॉल्व करने नहीं लगना, आपको रीडिंग करना है स्पेशली कि इसमें 36 पेंसिल है एंड ये 30 रबर है। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि जो आर्टिकल होना चाहिए, इसका अर्थ जो वस्तु होना चाहिए वो आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी एक ही वस्तु का, यानी एक वस्तु होनी चाहिए, उसी वस्तु का आपको क्रय मूल्य होना चाहिए, उसी का विक्रय मूल्य होना चाहिए।
यानी उसकी क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लो 26 पेंसिल दे दे या 36 जैसे इसमें दे रखा है, तो यहाँ भी जो विक्रम होना था वो 30 पेंसिलों का ही होना था, ओके। और इसमें उसने रबर कर दिया, इरेजर कर दिया है, इसलिए इसका आंसर फाइंड आउट हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, इसका तो पता है। इसलिए इसका आंसर होगा कैन नॉट से, कहा नहीं जा सकता है। इसका अर्थ है आपको रीडिंग वेरी केयरफुली करना है। आपके एग्जाम में ये भी जजमेंट करने के लिए दिया जाता है, टेस्ट करने के लिए कि आप रीडिंग कितने केयरफुली करते हैं और इसके अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहा नहीं जा सकता, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग न्यू पैटर्न पे चलते हैं इसके। ओके, तो हम लोग एक न्यू पैटर्न करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। 5 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 3 पेंसिलों के लागत मूल के बराबर लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, ओके। ऑन सेलिंग 5 पेंसिल अ शॉपकीपर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पेंसिल, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ओके। आपके ऑप्शन है ए 40% हानि, बी 40% लाभ, सी 60% लाभ एंड डी 30% हानि, ओके। इस तरह के क्वेश्चन को आपको करने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में सिर्फ बता रहा हूं, उसी से आपका क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। देखिए उसको करना कैसे बेसिक, ओके। देखिए आपको टोटल ये देखना है कि इसको 5 पेंसिल बेच रहा है, 5 पेंसिल जो है ये बेच रहा है, ओके, सेलिंग कर रहा है, और इसे कितनी 3 पेंसिलों के बाद लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसका 3 पेंसिल का लाभ हो गया। अब इस व्यक्ति की टोटल कॉस्ट कितनी लगी होगी, इसने तो 5 पेंसिल का ही समझिए पैसा चुकाया, और टोटल कितने में है, 8, क्योंकि 3 के प्रॉफिट हो गया इसे। तो इस तरह से क्या हो गया, ये 5 + 3 ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। इसका मीन्स है सेलिंग प्राइस नहीं, आप टोटल वस्तु में समझ सकते हो कि टोटल कितनी हो गई, 5 + 3, लेकिन इसने कितने का मूल्य चुकाया, सिर्फ 5 का, ओके। तो 5 + 3 कितनी वस्तुएं हो गई, और जबकि इसने प्राइस कितने का चुकाया, 5 का, क्योंकि 3 का इसका प्रॉफिट है, ओके। तो इसका आंसर कितना होगा, ये 3 का प्रॉफिट हो रहा है इसे, ओके। इसका अर्थ है ये कितना, इसका आंसर होगा 3/5, ओके। या चाहे तो आप टोटल कर सकते हैं 8/5, तब भी क्या होगा, 3/5 ही होगा। ये डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब भी क्या निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, लॉट्स परसेंटेज, ओके। चूंकि यहां तो लाभ ही है इसके, अधिक हो रहा है, तो यहाँ लाभ ही होगा। कितने का लाभ हो रहा है, 3 वस्तुओं का 3 लाभ हो गया, बटे क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। आपको सिर्फ समझना कि कॉस्ट प्राइस कितने की लगी है, 5 पेंसिलों की, ओके। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप बोल सकते थे 3/5 होता है 60%, क्या होगा ऐसे लाभ हुआ है। और इस तरह से भी करेंगे तो 8/5, तो ऊपर वाला बड़ा है, कितना है 3, तो 3/5, तो इसका भी क्या होगा, 60% लाभ। तो आप दो में से कैसे भी समझ आए, दोनों ही एक सी हैं, बस अंडरस्टैंडिंग करना है, आपका आंसर क्वेश्चन में ही हिडन है, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी 60% लाभ, प्रॉफिट होगा 60%, ओके। चलिए इसी पे बेस्ड में सिर्फ डेटा चेंज कर रहा हूं, आप दूसरा इसी पे करिए, सेम है, ओके। मैं यहां पे आर्टिकल बदल देता हूं एंड उसकी क्वांटिटी की कितनी होती है। अब हम लोग कर रहे हैं 25 वस्तुओं को बेचने पर, ओके, 25 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के लागत, ओके, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। अब मैं हानि कर दे रहा हूं, यहां पे हानि होती है, उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए।
ओके। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसे लॉस हुआ है। तो आप देखते हैं हम लोग कि ये देखिए 25 वस्तुएं तो इसने आप बेची, इसे लॉस हुआ है कितने का, 3 का। तो टोटल वस्तुएं इसके पास कितनी रह गई, आप 3 माइनस कर दीजिए, तो 3 का लॉस हुआ है। लेकिन इसने प्राइस कितने का चुकाया है, 25 तो वो साथ में है ही, ओके। और किसका चुकाया, 25 वस्तुओं का, क्योंकि 3 का लॉस इसी में है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जो लॉस हो रहा है टोटल वस्तुओं में से, ओके। तो आप 22/25 भी कर सकते थे, या सेम लिखिए कि 3 का लॉस हो रहा है ना, कितने में हो रहा है, 25 में। तो क्या होगा, 3/25 इसका आंसर होगा, ओके। अब 3/25 इसका आंसर हो रहा है, ओके। तो इसको अगर हम लोग देखें, सॉरी 3/25 नहीं होगा, 3/28 होगा, कि टोटल कितने का लॉस हो रहा है, 28 वस्तुओं टोटल हो गए, 3 का तो लॉस हो रहा है इससे 25 पे बेचने पर। तो कितना होगा ये, 28, ओके। अब अगर हम लोग करें इसे, तो ये कितना कम है, 6। एक मिनट, कितनी वस्तुओं पे लॉस हो रहा है, इसे 3 पे है ना, 3 का लॉस हो रहा है, तो कितना होगा, 3/28। तो ये होगा, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 28, इसको करिए सॉल्व, तीन बटे 28 गुणे 100, ओके। तो इस तरह अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये 14, ये हो गया आपका 25, ये 7, ओके, 75/7, ओके। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 25 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ लॉस है, तो टोटल 25 वस्तुओं को बेचा, कितने का लॉस हुआ, 3 का। तो टोटल कितनी वस्तुएं उसने बेची थी, 25, तो नीचे क्या कर देंगे आप, 25, क्योंकि टोटल जो है इसका कॉस्ट प्राइस तो 25 का लग गया, 3 का क्योंकि इसी में लॉस हो रहा है, इसलिए एक कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आप चाहे तो इसे 22/25 कर लीजिए, तब इसका 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। ये कितना कम है, 3, ओके। तो 3/25 हो जाएगा, 3/25 का कितना होगा, आप अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 12%, चूंकि ऊपर वाला कम था तो क्या होगी, 12% की हानि, ओके। ये आपका करेक्ट आंसर है, या आप डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ की 3 वस्तुओं की हानि हो रही है, कितने में, 25 वस्तुओं में, 25 वस्तुओं को बेचने पर। तो यही क्या होगा आंसर, 12% हानि। तो आपको समझना कि इस तरह से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कि आप अगर अंडरस्टैंडिंग कर गए कि 3 वस्तुओं का हानि तो देगा कि कितनी वस्तुओं की हुई और कितने में हुई, 25 में, तो तुरंत निकाल दीजिए 3/25, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे, कपड़ा बेचकर प्राप्त किया गया लाभ 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, ओके। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, ओके। तो सिंपली आप यहां पर अंडरस्टैंड देखिए, आप दोनों में ही बेच कर ही दिया है ना, ओके। यानी कि इसको क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा,
कितने का प्रॉफिट हो रहा, 5 का, ओके। और कितने में हो रहा, 20 में। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते थे कितने का 5 मीटर का फायदा हो रहा, कितने 20 में। तो ये कितना डायरेक्ट हो जाता आप इससे निकालेंगे, ओके, 1/4 कितना लिखते हैं हम लोग, 25% का क्या हो रहा, लाभ। तो एक तो ये डायरेक्ट हम लोगों ने निकाल दिया, आपका आंसर यहीं से आ गया। दूसरा अगर ऐसे कर सकते हैं कि 20, ओके, चूंकि लाभ हो रहा तो कितना हो जाएगा, 5 इसमें जुड़ जाएगा, 20, तो इन पर कितना हो जाता, 25/20। इसका भी निकालते तो क्या आता, सेम ही कि 25% लाभ, क्योंकि 5 हो जाता, ओके। तो आप इसे ज्यादा प्रेफर करिए, अगर फायदा है तो कितने में हुआ, 20 में, तो तुरंत 5/20 आपका आंसर आ गया, ओके। चलिए हम न्यू पैटर्न करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का।